لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, उनके क्या ही कहने। एक दफा हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में आपको एक सिपाही मिला। इसने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद इस सिपाही ने आपसे पूछा, क्या तू बंदा है यानी कि गुलाम है? तो आपने जवाब दिया, हाँ मैं बंदा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला के तो सारे ही बंदे हैं, सारे ही गुलाम हैं। तो बहरहाल सिपाही ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि बस्ती किस तरफ है? हजरत इब्राहिम बिन अधम ने एक जानिब की तरफ इशारा कर दिया कि वो बस्ती है। सिपाही ने वहां जाकर देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि वो तो कब्रस्तान था। सिपाही ने वापस आकर कहा, यहां मैं तुमसे आबादी के बारे में पूछ रहा हूं और तुम मुझे कब्रस्तान का बता देते हो, क्या कब्रस्तान भी कभी आबादी होती है? हजरत इब्राहिम बिन अदब ने फरमाया, मेरे भाई कब्रस्तान ही तो आबादी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनकी क्या आला सोच, उनका क्या अंदाज सोचने का। वो जाहिल सिपाही था, सुनते ही गुस्से में आ गया और इस कदर आग बगोला हुआ कि इसने ना सिर्फ हजरत इब्राहिम बिन अदहम को बुरा भला कहा बल्कि सर में पूरी शिद्दत के साथ कोड़ा मारा, जिससे आपका सर फट गया और आप लहूलुहान हो गए। इस पर भी सिपाही का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ बल्कि वो आपको इस हालत में पकड़कर शहर ले गया। शहर में हजरत इब्राहिम बिन अदहम के जानने वाले मौजूद थे, उन्होंने आपको इस हाल में देखा तो दौड़े हुए आए और वजह दरियाफ्त की। सिपाही ने सारा के सारा माजरा बयान किया। लोगों ने सिपाही को बताया, मियाँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम है जिनकी इज्जत एक जमाना करता है। अब सिपाही ने जैसे ही आपका नाम सुना तो फौरन घोड़े से नीचे उतर आया और सख्त शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ, पशेमान हुआ, नादिम हुआ, आपके हाथ चूमने लगा और माफिया मांगने लगा और उज्र पेश करने लगा। लोगों ने हजरत इब्राहिम बिन अदहम से दरियाफ्त किया, हजरत ये फरमाइए कि आपने ये क्यों फरमाया कि मैं बंदा हूँ? आपने फरमाया, इसने मुझसे पूछा था क्या तू बंदा है, इसने ये नहीं पूछा कि तू किस शख्स का बंदा है। क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ इसलिए मैंने कह दिया कि मैं बंदा हूँ। फिर जब इसने मुझे मारा तो मैंने इसके हक में जन्नत की दुआ मांगी। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, हजरत इसने तो आप पर जुल्म किया था लेकिन फिर भी आपने इसके हक में दुआ की। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, मुझे यकीन था कि इस मुसीबत पर मुझे सवाब मिलेगा, चुनाचे मुझे अच्छा मालूम न हुआ कि इसकी वजह से मुझे तो सवाब मिले और मेरी वजह से इसे अजाब मिले। ये एक तरह से मेरा मोहसिन है क्योंकि इसने मेरे सवाब बढ़ा दिए, लिहाजा मोहसिन के हक में तो दुआ करना वाजिब है, इसीलिए मैंने इसके हक में सबसे अच्छी दुआ यानी जन्नत में दाखिल होने की दुआ की। मैं तो अब भी अपनी बात पर कायम हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐ बारी ताला मेरे इस मोहसिन को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं मेरा भाई आला इखलाक, जो आपके साथ ज्यादती करे उसमें भी पॉजिटिव पहलू, मजबूत पहलू इंसान देखे, ना कि हर चीज में मनफी। कुछ लोगों की आदत होती है कि अच्छी भली चीज में भी नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिंदगी में पॉजिटिव रहे और सबके लिए अच्छा सोचे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।